Hello friends, it's Vanna here. Welcome to my YouTube channel. I hope you are really doing great. So today I'm very glad, I'm very relaxed as you can see, because we have finished science pedagogy. So there will be no class of science pedagogy today. And from tomorrow onwards, I will start math pedagogy hopefully. So, you know, stay tuned. हमने साइंस पेडागोजी जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ईजली 9 out of 10, इवन जो बहुत ही है ना अच्छे से थोड़ा बहुत खुद से कुछ पढ़ लेते हैं या सीरीज फॉलो करते हैं तो उनके 10 out of 10 स्कोर अच्छे से आ सकते हैं. ठीक है, तो आप फॉलो करें सीरीज, सारे चैप्टर्स देख लें, अपनी पेस पे देख सकते हैं आराम से. ठीक है, तो आज तो कोई क्लास है नहीं तो बड़े रिलैक्स मोड में हैं. तो मैं आज आपके साथ कुछ कविता की पंक्तियाँ शेयर करूँगी जो कि मैंने नहीं लिखी, वो मेरी कजन्स ने लिखी है. मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी. ठीक है, ओके बाय. पंक्तियाँ क्रोमा को लिखे हैं. आज सुना है संसार का कोना कोना, एक ही नाम है लफ्जों पर करोना करोना. ना जाने कौन से गुनाहों की ये सजा है संसार में जो चारों तरफ कोहराम मचा है. आज भगवान के द्वार भी सूने पड़े हैं, मानो वे भी छुट्टियों पे निकल पड़े हैं. ना जाने कब तक चलेगी ये कोरोना की दास्तां, कम हो रहे हैं लाशों के लिए कब्रिस्तान. घर घर में जंग छिड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है. प्यार की जगह रह गई है कोने में, तभी तो जिंदगी गुजर रही है सबकी रोने धोने में. कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर क्यों यह इंसान रोता है. अब सबके गुनाहों का हिसाब होना है, इसीलिए हर तरफ लड़ाई झगड़े गरीबी और कोरोना है. दौर ये भी नहीं रहेगा, रुक जाएगा ये कोहराम, तब तक ना जाने कितनों का मिट जाएगा नाम. खुदा के आगे इस वायरस की क्या औकात है, ना जाने ये अंत है या नए दौर की शुरुआत है.